हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी जो है कल जो है मैं यूपी बॉर्डर जो है पार करके मैं यहाँ चंदौली में आकर रात रुका हूँ। चंदौली में जो है कल का रीजन क्या है, कल जो है मेरे फ़ोन में कुछ हो गया था कि या सोलन में या बैटरी में कहीं पर भी कुछ हो गया था, जिससे कि मेरा जो है फ़ोन नहीं चार्ज हो रहा था, इसीलिए कल जो है मैं वीडियो नहीं बना पाया। आज जो है वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं एक मंदिर में हूँ, यहाँ पर भोले बाबा का एक मंदिर है, वहीं पर हूँ आज रात। आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखिए मंदिर है भोले बाबा का। और कल रात मैं जो है यहीं पर सो गया था, नीचे कुछ बिछाया भी नहीं। और भोले बाबा का जो मंदिर है ये देखो, ये रहा। कल फिर यहीं पर सोने के बाद अभी जो टाइम हो रहा है 6:30 का टाइम हो रहा है। तो अभी जो है चलो चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। मुझे अभी आगे का नज़ारा देखो भाई, मैं अभी साइकिल चला रहा हूँ, आप लोग नज़ारे का मज़ा लीजिए। एकदम मक्खन की तरह, एकदम कि यहाँ पर बहुत चढ़ाई भी है और उसके बाद जो है कुछ कुछ जगह है जहाँ पर ढाल है, बाकी अधिक से ज़्यादा यहाँ पर चढ़ाई मिलेगा आपको। अभी जो है मैं यहाँ रामनगर में आकर यहाँ पर थोड़ा नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद थोड़ा देर आराम किया, आराम करने के बाद फिर से जो है अपना राइड चालू कर दिया हूँ। बनारस पहुँच गया मैं, बनारस का टोल नाका है, बहुत बड़ा टोल नाका है बनारस का। अभी मैं बनारस पहुंच गया हूं और बनारस से अभी भी दिल्ली 786 किलोमीटर दूर है वो देखो। और जो कि मैं बनारस में हूं, मेन सिटी बनारस ब्रिज, वो सामने दिख रहा है एकदम हाईवे ओवर ब्रिज, उसी ब्रिज के ऊपर से जाना है मुझे बनारस में। अभी जो है थोड़ा सा एकदम हल्का धूप कम है बिहार से, बिहार झारखंड में बहुत ही ज़्यादा धूप था, लेकिन यहाँ पर हल्का कम है, लेकिन है यहाँ पर भी। और यहाँ का जो हवा है वो भी थोड़ा अभी कम है, हवा ज़्यादा तेज नहीं है, लेकिन तकलीफ तो उतना ही हो रहा है भाई। आज का दिन जो है बहुत ही बढ़िया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से साइकिल चलाकर आगे आगे जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। आज भी मैंने 2 आम लिया हूँ, इस बार सिर्फ 2 आम लिया हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी वो भी डरते डरते 2 आम लिया कि इस बार भी अगर आम ख़राब निकला तब तो मेरी किस्मत ही जो है ख़राब निकलेगी, इसीलिए जो है 2 ही आम लिया हूँ। ये देखो जी, सिर्फ 2 आम लिया हूँ। अरे 2 आम ही आधा किलो का दाम जो है 30 रुपया है यहाँ पर। अभी बनारस में एक नीम का पेड़ है तो इसी के नीचे जो है आराम कर रहा हूँ, क्योंकि भाई थक जाता हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, साइकिल चलाते चलाते जो है थक जाता हूँ, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा चल रहा हूँ। और धूप भी बहुत ज़्यादा है, धूप का तो कहना ही मत, बहुत ज़्यादा है। आप लोग घर से बाहर निकल कर देखो, बहुत ज़्यादा धूप है भाई, बहुत ज़्यादा। और अभी मैं मेन रास्ते के एकदम किनारे खड़ा हूँ, बैठा हूँ अब ज़्यादा हूँ। और एक राज की बात बताऊँ, किसी से कहना मत, मैं 2 दिन से अभी तक नहाया नहीं हूँ, क्योंकि कहीं पर ढाबा वाबा नहीं मिल रहा था, तो मंदिर पे रुका था, तो नहाने का उतना व्यवस्था नहीं था, इसीलिए 2 दिन से नहीं नहाया हूँ। आपसे बताया हूँ, आप लोग किसी से भी बताइएगा मत, कहना मत, किसी से मत बताना कि मैंने 2 दिन से नहीं नहाया। और मजाक भी मत उड़ाना, कमेंट बॉक्स में जाना, उल्टा सीधा मत कहना। ये देखो भाई, मैं अभी एकदम मेन रास्ते के किनारे बैठा हूँ, आ जाओ आम खा लो भाई। अभी जो है मैं पूरा गमछा वमछा मुँह में पूरा लपेट कर अभी रेडी हो गया हूँ आराम करने के बाद। एक्चुअली आराम करते करते मेरी आँख लग गई थी, थोड़ा नींद आ गया था। 2 बजे का टाइम है और धूप, मैं सिर्फ धूप से परेशान हूँ बस, और किसी चीज़ से नहीं। अभी जो टाइम हो रहा है 3:20 हो रहा है, 3:20, लेकिन अभी भी धूप का जो टेम्परेचर है कम नहीं हुआ, उतना है। साइकिल चला रहा हूँ तो रास्ते के नीचे से
भाप निकल रहा है और पैर में जब गरम गरम लग रहा है पूरा एकदम जल जा रहा है पैर, इतना ज़्यादा तेज धूप है, लेकिन फिर भी साइकिल चला रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर एक भारतीय पेट्रोल पंप था तो यहीं पर रुक कर अभी थोड़ा पानी पिया, ठंडा पानी, उसके बाद जो है अभी आराम कर रहा हूँ। मेरा सर जो है हल्का हल्का दर्द करने, अभी मैं औराई पहुँचा हूँ। यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर दूर दूर तक कहीं पर ढाबा नहीं है, आज जो है रहने में बहुत दिक्कत होगा क्योंकि भाई यहाँ पर कहीं पर भी 3-4 ढाबा है, कहीं नज़दीक भी नहीं। अभी जो है मैं एक फुटपाथ पे यहाँ पर सोया हूँ रहूँगा, ये देखो यहाँ पर ये फुटपाथ है, रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है इसीलिए जो है फुटपाथ पर भी रहना पड़ रहा है। और यहाँ पर दूर दूर तक कोई होटल कोई ढाबा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से अभी जो है रात हो जाता तो इसीलिए सोचा कि आज रात जो है यहीं पर रुक जाऊँ, कल सुबह यहाँ से चला जाऊँगा। आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।